सबसे पहले मैं अपने देश की बेटियों और मातृसत्ता को नमन करते हुए कहना चाहूंगी, घर की बरकत धरती पर जन्नत होती हैं बेटियां, दुआओं के असर से जो पूरी हो वो मन्नत होती हैं बेटियां, पिता की किस्मत माँ की हिम्मत होती हैं बेटियां, हर दिल में चुपके से जो पलती हैं वो हसरत होती हैं बेटियां, सर्दी की धूप और गर्मी की शरबत होती हैं बेटियां, जिंदगी की भाग दौड़ में कुछ पल फुर्सत होती हैं बेटियां, माँ बाप की इज्जत और हर दिल की चाहत होती हैं बेटियां, हर किसी के नसीब में कहां खुदा की रहमत होती हैं बेटियां, खुदा की रहमत होती हैं बेटियां। जी हाँ, भारत देश में भारतीय संस्कृति में बेटियों का बालिकाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, इन्हें देवी स्वरूपा समझा जाता है। तभी तो नव दुर्गा पर्व में हम कन्याओं को भोजन कराकर उनके पैर छूकर अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वहीं समाज में हमें यह भी दिखाई देता है, लोग बेटे और बेटी में अंतर करते हैं, बालिकाओं को जन्म से ही उपेक्षा का शिकार बनना पड़ता है, उनके साथ लिंग भेदभाव सदियों से किया जाता रहा है। सच कहें तो नारी जन्म से अबला नहीं होती है, बल्कि समाज की संकीर्ण मानसिकता उसे अबला बना देती है। लिंग भेदभाव, शिक्षा भेदभाव, पोषण का भेदभाव बालिकाओं के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। और आश्चर्य की बात यह है कि हम इसके लिए दोषी समाज को मानते हैं, जबकि सबसे पहले इस प्रकार के नकारात्मक सोच का सामना बेटियों को अपने घर और परिवार के साथ करना पड़ता है। छोटी सी बच्ची धीरे धीरे नए नए सपनों को संजोते हुए आगे बढ़ने की हिम्मत और हौसला बढ़ाती है, और उसी के परिवार के लोग उसके एक एक सपनों को कुचल कर रख देते हैं। लिंग भेदभाव के नाम पर उसे सबसे पहले परिवार द्वारा समझाया जाता है, तुम लड़की हो, तुम्हारा जीवन घर की चार दीवारी तक ही सीमित होना चाहिए, तुम्हें केवल अक्षर ज्ञान ही कराया जाएगा ताकि तुम रामायण, गीता या कुरान पढ़कर अपने ईश्वर की, अपने अल्लाह की इबादत कर सको। समाज बहुत खराब है, हम तुम्हें पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेज सकते। यहीं से शुरू होता है बेटे और बेटियों के प्रति हमारी दोहरी मानसिकता। हमारे देश की 40% बालिकाएं 10वीं की परीक्षा के बाद ही शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाती हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के सभी बालक बालिकाओं को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों ही नहीं बल्कि शहरों में भी बेटियों को साक्षरता से वंचित होना पड़ता है। हम सभी को जीवन भर आभारी होना चाहिए भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय का, जिसने बालिकाओं के उत्थान के लिए सराहनीय कदम उठाते हुए 24 जनवरी 2008 को राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित करते हुए बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण के महत्व को रेखांकित करते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सेव गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को व्यापकता के साथ जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। राष्ट्रीय बालिका दिवस लड़कियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता पर जोर देता है, जिससे समाज बालिकाओं के प्रति सहिष्णु और संवेदनशील बने। भारत सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान के लिए भी विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं, जैसे
कन्या विद्याधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना, नंदा देवी कन्या धन योजना, कस्तूरबा विद्यालय, छात्रवृत्ति, सीबीएसई योजना, इसके साथ ही साथ बालिकाओं को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की भी सुविधा दी है। हमारे शिक्षा के उच्च संस्थान आईआईटी जैसे संस्थान में भी बालिकाओं को आज आरक्षण की सुविधा प्राप्त है। इन सभी योजनाओं के माध्यम से बालिकाओं को शिक्षा देने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। शिक्षा के अभाव में हमारी बेटियां अपना आत्मविश्वास खो देती हैं। शिक्षित बालिका या नारी अपना घर, समाज, व्यवसाय बेहतर ढंग से चला सकती है और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हमारी आज की बेटी कहती है, ना मांगा धन ना दौलत, ना मांगा हीरे का हार, मुझे दे दो मेरे प्रभु बस शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार। सरकार चाहे जितनी भी योजनाएं बना ले, कितने भी अभियान चला ले, हम अपनी बेटियों का शिक्षा का सुअवसर देकर उसके व्यक्तित्व का निर्माण तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारा बालिकाओं के प्रति नजरिया नहीं बदलता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी बालिकाओं की शिक्षा एवं विकास पर केंद्रित लिंग समावेशन कोर्स पेश किया है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार सभी बालिकाओं को गुणवत्ता और समान शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। इस कोर्स के माध्यम से स्कूली पढ़ाई में बालिकाओं का 100% नामांकन एवं उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। शिक्षा वह गहना है जिसे पहनकर जिसे किसी को भी पहनाकर उसके व्यक्तित्व को अलंकृत किया जा सकता है। बालिका शिक्षा का प्रभाव न केवल उस बच्ची पर पड़ता है, अपितु समाज और देश के सामाजिक और आर्थिक विकास पर भी पड़ता है। देश के विकास के लिए बालिकाओं की शिक्षा आवश्यक है। आज भी हम आंकड़ों पर अगर ध्यान दें तो पुरुषों की साक्षरता 82% है और महिलाओं की 65%। इसे और भी प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। भारत सरकार के विभिन्न प्रयासों का परिणाम अब परिलक्षित होने लगा है। लोगों की सोच चिंतन में परिवर्तन आने लगा है। विद्यालयों में बालिकाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और छात्रों की अपेक्षा छात्राओं में पढ़ने की ललक भी अधिक दिखाई दे रही है। एक शिक्षक होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं अपनी क्लास में यही देखती हूँ कि बॉयज कॉलेज कम आते हैं और आज गर्ल्स 100% अपनी उपस्थिति देती हैं। इस पैंडेमिक युग में भी जब हम कोविड-19 के कारण पुनः अपने घरों में सिमट गए हैं, जितने भी फोन क्वेरी के लिए आते हैं कि कॉलेज खुला है या नहीं, उनमें भी मैं देखती हूँ ज्यादातर लड़कियों के ही फोन आते हैं। इससे साफ पता लगता है कि अब समाज बदल रहा है और हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। अवसर मिलने पर हमारे देश की बेटियों ने आत्मनिर्भर बनकर बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज देश के प्रत्येक राज्य में महिला आत्मनिर्भर बन रही है। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, न्यायाधीश बनकर समाज के उत्थान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। शिक्षा हमारी बेटियों का जीवन बदल रही है। एक पुरुष को शिक्षित करके देश के एक हिस्से को ही मजबूत किया जा सकता है, किंतु अगर हम एक बेटी को शिक्षित करते हैं तो एक परिवार शिक्षित होता है, एक मोहल्ला शिक्षित होता है, एक समाज शिक्षित होता है और पूरा देश शिक्षित हो जाता है। बालिका के जीवन में शिक्षा 4 चांद लगा देती है, जिससे सिर्फ परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का कल्याण होता है। बेटियों का हृदय
संवेदनशील होता है, दयालु होती हैं, किसी ने सही कहा है, सन इज सन टिल ही गेट अ वाइफ बट डॉटर इज डॉटर थ्रू आउट द लाइफ, बट डॉटर इज डॉटर थ्रू आउट द लाइफ, पूरे जीवन भर अपना ही नहीं पूरे परिवार का ध्यान एवं कल्याण एक शिक्षित और आत्मनिर्भर बेटी कर सकती है। मुझे कहने में तनिक भी संकोच नहीं है, प्रोफेसर तुहिना वर्मा जी को मैं बचपन से जानती हूँ, मुझे उन पर गर्व है, एक शिक्षित बेटी हैं, अपने माता पिता परिवार शिक्षण संस्थान और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों अपने दायित्वों को बखूबी समझती हैं और निभाती हैं। इसी प्रकार गोंडा जनपद की प्रसिद्ध महिला डॉक्टर डॉक्टर अनीता मिश्रा इतने पिछड़े जनपद का नाम रोशन कर रही हैं। एक डॉक्टर के रूप में दिन रात मरीजों की सेवा करते हुए समाज को स्वस्थ करने के लिए योग अभ्यास पोषण के प्रति भी समाज को जागरूक करने का सराहनीय प्रयास करती रही हैं। जो कुछ भी संदेश उन्होंने समाज को दिया पहले स्वयं पर लागू किया है। अभी हाल में ही उन्हें मिसेज इंडिया के खिताब से नवाजा गया है। मैंने उन्हें COVID-19 पैंडेमिक पीरियड में भी लोगों की सेवा करते देखा था, लोगों को मानसिक अवसाद और भय से निकालने के लिए किट पहनकर डांस करती हुई, मरीजों का आत्मविश्वास बढ़ाती हुई उनका इलाज कर रही थी, उनका उत्साह वर्धन कर रही थी। अंत में मैं अपनी शिक्षा को भी महत्व देते हुए अपनी माँ को अपनी शिक्षा का सारा श्रेय देते हुए कहना चाहूंगी कि मैं भी बहुत पिछड़े क्षेत्र से थी, मैंने हाई स्कूल की शिक्षा कतरनिया घाट सेंचुरी से की है जहां आज लोग टाइगर देखने जाते हैं। आज के 35-40 साल पहले उन जंगलों से गुजरते हुए मैं स्कूल जाती थी, मेरी माँ ने पूरे मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा किया था और स्कूल भेजने का प्रयास किया था। लोगों ने जब विरोध किया था तो मेरी माँ ने कहा था कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम अपनी बेटियों का दहेज देकर विवाह नहीं कर पाएंगे, यदि रास्ते में टाइगर खा जाएगा तो भी हमें बेटी से मुक्ति मिल जाएगी और अगर बच जाएगी तो शिक्षा ग्रहण करके अपना जीवन सुखद बना लेगी। आज मैं उनको याद करते हुए उनको नमन करते हुए यही कहना चाहूंगी कि इतने पिछड़े क्षेत्र में रहने के बावजूद उन्होंने हमारे सभी भाई बहनों को आत्मनिर्भर बनाया और केवल हमारे भाई बहनों को ही नहीं बल्कि उस मोहल्ले की जितनी भी बेटियां थी उन सभी की माँ को समझा कर बुझा कर सभी को स्कूल भेजने पर प्रेरित किया, बाध्य किया और आज जितनी भी हमारी फ्रेंड्स मुझे मिलती हैं सब एक जिम्मेदार पद पर अपने कर्तव्यों को करते हुए देश की सेवा में लगी हुई हैं। मैं अपनी छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके अंदर एक जोश भरने के लिए एक जज्बा रखने के लिए मैं उनके लिए चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। हाँ हूँ मैं लड़की, हाँ हूँ मैं लड़की, लड़की होना मेरा स्वाभिमान है, लड़के की बराबरी मैं क्यों करूं, लड़के की बराबरी मैं क्यों करूं, मेरी खुद की एक पहचान है, मुझे पढ़ना है आगे बढ़ना है, जमाने की पुरानी सोच बदलना है, चांद सा बनना है, सूरज सा चमकना है, मंगल पर जाना है, लड़का लड़की के भेद को मिटाना है, माता पिता को गर्व कराना है और मर्दों की ये दुनिया है कहने वालों को सच्चाई से रूबरू कराना है, इस पुरानी दकियानुसी बातों को एक बार तो भूल जाओ, इन पुरानी दकियानुसी बातों को एक बार तो भूल जाओ, लड़कों की भांति हमें भी पलकों पर बिठाओ, लड़कों की भांति हमें भी पलकों पर बिठाओ, देखना
हम बेटियां हैं, फिर क्या कर देंगी, पूरी दुनिया बदल कर रख देंगी। पराया न समझकर एक बार अपना तो मानो, पराया न समझकर एक बार अपना तो मानो। धुंधली आंखों की रोशनी तो क्या, लड़खड़ाते जीवन का सहारा बन जाऊंगी। मैं तो गर्व से कहती हूँ, हाँ कहती हूँ, मैं लड़की हूँ, हाँ मैं एक लड़की हूँ, और लड़की होना मेरा स्वाभिमान है। लड़की होने पर मुझे स्वाभिमान है। यह सच है कि चिराग सिर्फ रोशनी से ही नहीं होता, चिराग सिर्फ रोशनी से ही नहीं होता, बेटियां भी हमारे घर को रोशन कर देती हैं, बेटियां भी हमारे घर को रोशन कर देती हैं। अंत में मैं अपनी वाणी को समाप्त करने के पहले, मैं अपने हर लेक्चर में अपने छात्र छात्राओं को एक संदेश देना चाहती हूँ कि हम सभी भारतवासी हैं, हमें राष्ट्रीयता से ओत प्रोत होना चाहिए। बस अभी 2 ही दिन बाद 26 जनवरी आएगी, हम 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाएं, सेलिब्रेट करें। जिन वीर सपूतों ने हमारे देश को आजाद कराया, उनकी जीवन को पढ़ें, उस चिंतन को समझें और इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका जरूर निभाएं। और बहुत जल्दी ही चुनाव हमारे बीच है, हम मतदान जरूर करें, क्योंकि मैं राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी भी हूँ। इसके तहत मैं अपने कॉलेज की ओर से, अपने राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से आप सभी से आग्रह करती हूँ कि आप अपना मतदान करने जरूर जाएं। जहाँ 100% मतदान होता है, वह राष्ट्र प्रगति के पथ पर द्रुत गति से आगे बढ़ता है। हमें अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। और अंत में अपने छात्र छात्राओं से कहना चाहूंगी कि गति में ही जीवन है, हमारा जीवन गतिमान है, प्रकृति गतिमान है, ये पूरी दुनिया गतिमान है, और जिसमें गति होती है उसी को पूजा जाता है। चंद पंक्तियों से वाणी को विराम देते हुए कहूंगी, जीवन में कुछ बनना है तो मन को मारे बैठो मत, जीवन में कुछ पाना है तो मन को मारे बैठो मत, चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे ही रह जाता, चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे ही रह जाता, ठहरा पानी सड़ने लगता और बहता जल निर्मल कहलाता, धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है, और किरणों का उजियारा लेकर सूरज रोज निकलता है। चलो कदम से कदम बढ़ाकर दूर किनारे बैठो मत, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी प्यारी बेटियों, जीवन में कुछ करना है तो मन को हारे बैठो मत।